विजयपुर उपचुनाव में हार पर रामनिवास रावत का बयान, कहा चुनाव में हार जीत लगी रहती है, मुझे वोट देने के लिए जनता का धन्यवाद, विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। दतिया के पीताम्बरा पीठ में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने की पूजा अर्चना, भगवान महादेव से देश की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। रीवा में प्रशासनिक कार्रवाई से मऊगंज विधायक हुए संतुष्ट, महादेवन मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना, अतिक्रमण हटाने पर अपनी सरकार और सीएम का दिया धन्यवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेवली ने बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पर दिया बयान, कहा यात्रा से नफरत के अलावा कुछ नहीं फैलेगा, कहीं यात्रा में दंगे ना हो जाएं। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा पर बयानबाजी तेज, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने जताई यात्रा में दंगे की आशंका, धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार, यात्रा में नहीं मस्जिद के बाहर होते हैं दंगे। हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर बवाल, राजूदास महंत ने साधा निशाना, कहा ये राक्षस प्रजाति के लोग हैं, ये केवल कह सकते हैं और दंगा करने की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने उज्जैन में भाई कुणाल पांड्या के साथ बाबा महाकाल मंदिर में जाकर दर्शन किए और बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया। बाबा महाकाल के दरबार में बाबा के भक्त ने 22 किलो चांदी की पालकी बाबा के चरणों में अर्पित की, 22 किलो की रजत की पालकी की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। लाहार में भी पराली जलाने से बड़ा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ खराब, प्रशासन ने की लोगों से पराली ना जलाने की अपील। यूपी में कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का, पांचवें दिन में दूसरी बार सर्वे करने गए हिंदू पक्ष के साथ डीएम पुलिस अधिकारियों और सर्वेक्षण की टीम पर हमला किया गया, दंगे में 3 लोगों की मौत भी हुई। इंदौर में महिषासुर मर्दानी स्त्रोत का पाठ आयोजित किया गया, कार्यक्रम में 25,000 कन्याएं शामिल हुई, संत समाज और आरएसएस के अधिकारी भी मौजूद रहे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 29 नवम्बर को होंगे शामिल। उज्जैन में भैरव अष्टमी महोत्सव पर निकाली गई शाही सवारी, पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, केंद्रीय जेल में की गई पूजा अर्चना, बाबा की सवारी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। झाबुआ में प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, घर के पीछे दफनाया शव, थाने में दर्ज करवाई पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट, पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। देवास में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है, पत्नी ने जीजा के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, बालोन पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। सागर के सिंगना गांव में युवक की मौत के बाद बवाल मच गया है, ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, सड़क पर शव रखकर चक्का जाम भी किया, पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। धार जिले के पोथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क रालसन टायर लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई, परिजनों ने शव को फैक्ट्री गेट पर रखकर हंगामा किया। भोपाल में दोस्तों के साथ शराब की दुकान पर गए युवक को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आने के बाद उसके दोस्त उसे वहीं पर छोड़कर भाग गए, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई, दोस्तों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। सोसर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, 2 महीने की नवजात को झाड़ियों में फेंका गया, मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया। भोपाल में ठगी को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, एपी के फाइल को लेकर भोपाल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, अनजान कॉल या मैसेज से सतर्क रहने की सलाह दी। भिंड में किराना व्यापारी की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, भागने की कोशिश में थे दोनों आरोपी, आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों से लाइसेंसी बंदूक और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। देवास की बाली थाना चापड़ा में दुकान पर हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और आरोपियों से 10 लाख का सामान जब्त किया गया है। इंदौर पुलिस ने 1 चोर को गिरफ्तार किया, आरोपी ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर की थी जेवरात की चोरी, पुलिस ने 3 व्यापारियों से बेचे गए चोरी के जेवरात बरामद किए हैं, 3 व्यापारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। विजयपुर के दौड़ गांव में दुकानों में तोड़फोड़ की गई, घरों में पथराव भी किया गया, ग्रामीणों से मारपीट की घटना भी सामने आई है, ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की है, रामनिवास रावत की हार को इस घटना की मुख्य वजह बताया जा रहा है। भोपाल पुलिस ने 2 MD तस्करों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों से 19.7 ग्राम MD पाउडर बरामद किया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है।
सागर पुलिस ने 100 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे के हरे भरे 92 पेड़ बरामद किए गए हैं। गांजे की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। अलीराजपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी। कपास के खेत से पुलिस ने जब्त किए गांजे के 158 पौधे। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नरसिंहपुर में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 6 ग्राम स्मैक और 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। स्मैक पीते 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। रीवा में एसपी ने किया सिविल लाइन थाना का औचक निरीक्षण। डेटा रजिस्टर को किया चेक। ड्यूटी वितरण में भी लापरवाही पाई गई। कमियों में सुधार करने के लिए निर्देश दिए। डिंडोरी में बाघ और हाथियों की आमद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कलेक्टर ने स्कूलों में 25 से लेकर 29 नवंबर तक का अवकाश घोषित कर दिया है। वन विभाग ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत पर सीएम साय ने जनता का धन्यवाद किया है। कहा है मोदी की गारंटी और विकास पर जनता को पूरा भरोसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है ईवीएम पर हमें संदेह था और हमेशा रहेगा। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के 76वें स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय का युवा ही बनाएंगे छत्तीसगढ़ को विकसित। एनसीसी कैडेट्स में महिलाओं की बढ़ रही है भागीदारी। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। फुटबॉल को किक मारकर प्रतियोगिता का समापन किया और विकास कार्यों की सौगात दी। जशपुर को सीएम विष्णुदेव साय की सौगात। बागबहार में शिव मंदिर के पास तालाब का होगा सौंदर्यकरण। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब होगी 30 बेड की सुविधा। कोतबा में बनाया जाएगा एपेक्स बैंक। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्रेन से सफर किया। ट्रेन से बिलासपुर के लिए हुए रवाना। ट्रेन यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए सीएम साय। सीएम बनने के बाद पहली बार ट्रेन में यात्रा की। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत के बाद सुनील सोनी ने लोगों को दिया धन्यवाद। कहा मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन से जीत हो पाई है संभव। अब ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ मिलकर विकास का काम करूंगा। बलरामपुर में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का एक्सीडेंट हुआ। कुसमी जाते वक्त ट्रक में मंत्री राजवाड़े की गाड़ी को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाल बाल बची मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। कृषि मंत्री रामविचार नेताम की हालत में सुधार है। मंत्री रामविचार नेताम ने वार्ड से बाहर आकर लोगों से बातचीत भी की, लोगों का धन्यवाद भी किया। रोड हादसे में घायल हुए थे मंत्री नेताम। भूपेश बघेल ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात की। मंत्री रामविचार नेताम का हाल जाना। रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती है कृषि मंत्री नेताम। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात की। मंत्री रामविचार नेताम से उनका हाल जाना। रोड एक्सीडेंट के बाद रामकृष्ण केयर अस्पताल में चल रहा है मंत्री नेताम का इलाज। दुर्ग में साहू समाज के परिचरा सम्मेलन में शामिल हुए डिप्टी सीएम अरुण साय। कार्यक्रम के आयोजन पर साहू समाज को बधाई दी और कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी विकास की राजनीति। मनेन्द्रगढ़ में पहली बार हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में इस परीक्षण का आयोजन हुआ। ड्रोन के जरिए लैब तक पहुंचाया गया ब्लड सैंपल। एमसीबी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। फिल्म के बारे में मीडिया को दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा सत्य को छुपाने का किया गया प्रयास। फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचेगी सच्चाई। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कांग्रेस के अहंकार को जनता ने नकार दिया है। आकाश शर्मा को जनता ने उनकी हैसियत दिखाई है। पायलट की लैंडिंग क्रैश हो गई है। राजनंदगांव में वन विभाग ने शुरू की 107 वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। जिले में परीक्षा देंगे 43,000 अभ्यर्थी। 2,500 अभ्यर्थियों का होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल के बाद होगा रिटर्न पेपर। जांजगीर चांपा में पुलिस ने 4.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने SECL में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की थी। आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी के 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए। राजनंदगांव में ग्रामीण विकास के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने बिहान के कार्यों का अवलोकन किया। समूह की महिलाओं से हुए रूबरू। जिले की 20 लखपति दीदियों से बातचीत भी की। लखपति दीदियों को सम्मानित करने को लेकर पत्र भी लिखा। सूरजपुर में युवती की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवती की हत्या कर लाश दफना दी थी। 10 महीने से लापता थी पंडो जनजाति की युवती।
जांजगीर में शादी का झांसा और जान से मारने की धमकी देकर रेप करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। रायगढ़ में खरसिया चेक पोस्ट पर 1400 क्विंटल धान जब्त किया गया। अवैध रूप से धान खपाने के लिए ले जाया जा रहा था धान, सख्ती से लाया जा रहा था धान। बिलासपुर में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद नगर निगम ने शुरू कर दी है। सड़क पर लगे ठेलों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने व्यापारियों में ये हड़कंप मचा दिया है और ठेलों को अतिक्रमण कार्रवाई के तहत हटाया जा रहा है। पेंड्रा से आई अजब गजब तस्वीर, युवा किसान ने बाइक से बांधी बैलगाड़ी, बैलों को छोड़ बाइक से खींची गाड़ी, वीडियो हो रहा है वायरल। मन की बात में पीएम मोदी ने किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र, कहा डिजिटल अरेस्ट सिर्फ फर्जीवाड़ा, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है, जागरूकता ही इससे बचने का उपाय है। मुंबई में सीएम मोहन यादव ने आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा और उनकी पत्नी श्रद्धा शर्मा से मुलाकात की। मनोज शर्मा की जिंदगी पर बनी है 12वीं फेल फिल्म। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विपरीत परिस्थितियों का सामना करके पूरे देश को गौरवान्वित किया है आपने, वे सभी युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारी तेज, सीएम और दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय। फडणवीस, अजीत और एकनाथ शिंदे शाम को दिल्ली जाएंगे, कल शपथ ग्रहण समारोह संभव है। चार निर्दलीय विधायकों को भी समर्थन में दिया जा सकता है। पर्थ टेस्ट में विराट कोहली ने इतिहास रचा है, 30वां टेस्ट शतक जड़कर ब्रैडमैन और सचिन को पछाड़ दिया है। भारत के सामने कंगारू पूरी तरह से ढेर हो गए हैं। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बने हैं। मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में पंत को खरीदा है। वहीं पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख में श्रेयस अय्यर पर दांव लगाया है। मुरैना में कोर्ट से जीतने के बाद भी सीमांकन के लिए चक्कर काट रहे हैं किसान। 5 सालों से नामांकन सीमांकन में अफसर चला रहे हैं अपनी मनमानी, 3 केस अब तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। इंदौर में बीजेपी ने किया अनोखा आयोजन, इंदौर में बूथ अध्यक्ष बनने पर निकाला रोड शो, अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। बड़वा को मिली बड़ी सौगात, बड़वा में बनेगा नया बस स्टैंड, लगभग 5 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे बस स्टैंड। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया भूमि पूजन। बालाघाट में सर्चिंग टीम पर हमले के बाद पुलिस अधीक्षक की नक्सलियों को दो टूक, बोले नक्सली चाहते हैं टकराव तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुगलई खोदापार के जंगल में हुई थी मुठभेड़। इंदौर में साइबर ठगों ने एडीसीपी को घंटों तक बनाए रखा डिजिटल अरेस्ट, वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस की वर्दी में दिख रहा है साइबर ठग। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं राजेश दंडोतिया। भोपाल में गैंगस्टर यासीन मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यासीन मलिक ने गोली चलाते हुए वीडियो वायरल किया था, आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था। नरसिंहपुर में लाडगांव में पति ने की पत्नी की हत्या, लोहे की रॉड से मारकर उतारा मौत के घाट, घरेलू विवाद के चलते दिया हत्या को अंजाम, फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर ने रेलवे ट्रैक पर सुसाइड किया। खंडवा मेडिकल कॉलेज एकेडमिक स्टाफ में पदस्थ था, पिछले कुछ समय से डिप्रेशन का शिकार थे, जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ से मंडला में प्रवेश करने पर ट्रक ड्राइवर समेत व्यापारियों से धड़ल्ले से हो रही है अवैध वसूली। कृषि उपज मंडी बिछिया के उप निरीक्षकों से वसूली कर कई रुपये गबन किए जा रहे हैं, अधिकारियों की साठगांठ भी इसमें बताई जा रही है। ग्वालियर में मंदिर की 100 करोड़ रुपए की 9 बीघा जमीन भूमाफिया से प्रशासन ने मुक्त कराई है। तारागंज स्थित राम जानकी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। भोपाल में कचरा जलाने पर पहली कार्रवाई, 3 HO को नोटिस, 1 निलंबित, 5 कर्मियों की आधी महीने की सैलरी काटी। अब कचरा जलाने पर 500 से लेकर 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जशपुर में मोटरसाइकिल चोरी कर किराए पर देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है, चोरी की 5 मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। पेंड्रा के दरमोहली में अवैध रूप से भंडारित 105 क्विंटल धान जब्त किया गया है। सत्यवीर सिंह गौतम के घर पर अवैध रूप से भंडारित किया गया था धान, मंडी अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई। बालोदा बाजार में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, 37,000 रुपए की रिश्वत लेते डाक विभाग के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के देव सुंदरा स्थित डाकघर में पदस्थ थे दोनों अधिकारी।
अंबिकापुर में बदला मौसम का मिजाज, उत्तरी पश्चिम दिशा से शुष्क हवाओं से सरगुजा इलाके में कड़ाके की ठंड। पिछले 5-6 दिनों से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर भी चल रही है, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। रायपुर में हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर का पुलिस ने जुलूस भी निकाला, एंटी साइबर यूनिट की ये कार्रवाई है। आरोपी गौस खान को गिरफ्तार किया गया है। सूरजपुर जिले के खड़गाला कला ग्राम पंचायत में नहीं है मूलभूत सुविधाएं, खेत का दूषित पानी पी रहे हैं पंडो जनजाति के लोग, बिजली भी जुगाड़ की करते हैं इस्तेमाल, अधिकारी अभी तक बेपरवाह हैं। मुंबई में प्रदूषण ने बढ़ाई मुश्किलें, शहर में छाई धुंध की परत, बांद्रा रिक्लेमेशन से आई है तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी है ठंड, सोनमर्ग में हुई है बर्फबारी, स्थानीय और पर्यटकों में लौटी रौनक, बर्फबारी से व्यापारी वर्ग में खुशी है।